स्टूडेंट्स, आज आपका इंग्लिश ग्रामर का टर्न है, जिसमें कि आपका चैप्टर है 21 और टॉपिक है अपोजिट्स, और इसका दूसरा नाम होता है एंटोनिम्स। ठीक है, अपोजिट्स को हम एंटोनिम्स बोलते हैं। बच्चों, आपने पहले की क्लासेस में भी अपोजिट वर्ड्स को सीखा होगा, सुना होगा, उसके बारे में समझा भी होगा, याद भी किए होंगे आपने अपोजिट वर्ड्स। तो आज हम उसको डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर। जैसे आप, पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि अपोजिट का मतलब क्या होता है। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत शब्द, विलोम शब्द, इन्हें हम इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी शब्द है तो उसका विलोम शब्द ज़रूर होगा। चाहे वो कोई भी शब्द आप ले लीजिएगा, उसका हमेशा विलोम शब्द हमेशा होगा, कोई ना कोई। तो आपको वही, जैसे हिंदी में याद करते हैं दिन का रात, सुबह का शाम, ठीक है, तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी आपके अपोजिट वर्ड्स हैं, जो कि हम यहाँ पर अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल है ब्लैक, ब्लैक का अपोजिट वाइट, ब्लैक मीन्स काला, वाइट मीन्स सफ़ेद, तो ये अपोजिट है उसका। ठीक है, इसी तरीके से अप एंड डाउन, एंड इन एंड आउट आर अदर अपोजिट्स वी नो अबाउट। जैसे कि अप एंड डाउन, ऊपर का अपोजिट नीचे, डाउन। ऐसे इन माने अंदर, आउट माने बाहर, इस तरीके से ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम देखते हैं। जैसे यहाँ मैंने आपके सामने यहाँ मैचिंग की हुई है, अभी मैं आपको ये समझाती हूँ। यंग, आपको यहाँ पर सबसे पहले वाला वर्ड देखना है कि वो हमें क्या बता रहा है, उसी से ही आपको मैच करना है यहाँ उसका अपोजिट वर्ड। ठीक है, जैसे फर्स्ट है यंग बॉय, यंग मीन्स होता है जवान, और उसका अपोजिट होता है ओल्ड, यंग का अपोजिट है ओल्ड, तो यंग बॉय। तो यहाँ पर देखिए आपका ओल्ड, ओल्ड मैन। ठीक है, यंग बॉय यानी जवान लड़का, और यहाँ उसका अपोजिट हुआ ओल्ड मैन यानी बुढ़ा आदमी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग रेसलर, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, तो हमें स्ट्रॉन्ग का आपको अपोजिट देखना है। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट होता है वीक, स्ट्रॉन्ग माने हुआ मजबूत, वीक मींस हुआ कमजोर, तो वीक हमें ढूंढना है, वीक मैन। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का आ गया वीक मैन, ओके, तो वीक पर हम यहाँ पर मैच कर देंगे। नेक्स्ट है थिन बुक, थिन माने पतला, थिक माने मोटा, तो थिक। ये इस तरीके से आपको फर्स्ट वाला जो वर्ड है उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है उससे अपोजिट वर्ड से। ठीक है, टॉल, टॉल मीन्स लंबा, टॉल का अपोजिट होता है शॉर्ट, शॉर्ट यहाँ। बिग माने बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, इससे मैच किया। रिच माने अमीर, और पुअर माने गरीब। ठीक है, क्लीन मीन्स साफ, क्लीन का अपोजिट डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा। हार्ड, हार्ड का अपोजिट सॉफ्ट, हार्ड मीन्स होता है कठोर, कोई भी चीज़ है कठोर है तो उसका अपोजिट होगा सॉफ्ट, तो सॉफ्ट फेदर। अब कोल्ड मीन्स ठंडा, कोल्ड का अपोजिट हॉट, तो हॉट मीन्स, हॉट मीन्स गर्म। ठीक है, न्यू, न्यू मीन्स नया, नया का अपोजिट होता है पुराना, तो न्यू और पुराने को इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड, तो ओल्ड बाय स्केल। वेट, वेट मीन्स होता है नम, कोई भी चीज़ थोड़ी सी गीली है उसको हम बोलेंगे वेट, तो वेट है तो कोई चीज़ सूखी भी होगी, तो वेट का अपोजिट होता है ड्राई, तो यहाँ ड्राई। नेक्स्ट है स्लो, स्लो मीन्स धीरे, और स्लो का अपोजिट होता है फास्ट, मीन्स तेज। तो इस तरीके से बच्चों ये मैचिंग मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाई, आपको अभी मैं ये सेंड भी करती हूँ, आप अपनी बुक में इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैं और भी अपोजिट जो वर्ड्स होते हैं वो आपको सेंड करूँगी, और आपके बुक में आप उसको नोट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।